है दोस्तों, एजुकेशन मोड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एचपीडीसी मशीन के बारे में। ठीक है, तो एचपीडीसी मशीन में मैंने आपको सिंपल सी मशीन में यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, जिसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जिसको समझना जरूरी है, जिसमें है मूविंग प्लेटन और फिक्स्ड प्लेटन, जिसके बीच में हमारा मोल्ड क्लैंप होने वाला है। ठीक है, टाई बार डिस्टेंस, जिससे हम लोग मोल्ड की लेंथ और विड्थ को डिसाइड करते हैं, और स्लीव चेंबर, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर से मटेरियल फ्लो करके आने वाला है। राइट, ठीक है। एचपीडीसी मोल्ड एरिया, ये वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर हमारा जो मोल्ड है वो इसके अंदर क्लैंप होगा। क्लियर है? बेसिकली एचपीडीसी मोल्ड मशीन 80 टन में, 120 टन में और 180 टन और भी हायर स्पेसिफिकेशन में अवेलेबल होती है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भाई डिसाइड कैसे करें कि कितने टन की मशीन को हम लोग सिलेक्ट करें हमारे कंपोनेंट के लिए, तो उसको समझना जरूरी है। हमारे पास अगर दो मशीन है तो कंफ्यूजन रहेगा कि भाई ये वाली मशीन लेना है कि ये मशीन लेना है। राइट, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन सी मशीन का सिलेक्शन करें। जनरल बात करूं तो एचपीडीसी मशीन का सिलेक्शन वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कंपोनेंट एंड द इंजेक्शन प्रेशर ऑफ द मशीन। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। देखो, तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब कैसे वो समझते हैं, तो प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कंपोनेंट मतलब क्या हुआ भाई? प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कंपोनेंट की जो जिस एरिया के ऊपर हमको इंजेक्शन प्रेशर अप्लाई करना है, प्रोजेक्टेड एरिया के साथ 40% ऑफ पार्ट एरिया भी एड होता है। क्लियर है? प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कंपोनेंट में ये वाला क्वेश्चन आएगा कंपोनेंट का। ठीक है, 40% ऑफ पार्ट एरिया में क्या आएगा? वो आएगा हमारा ओवरफ्लो एंड द रडार एंड द बिस्किट। राइट, ये वाला एरिया आने वाला है जो कि फीड सिस्टम है। क्लियर है? अब आप बात करता हूँ इंजेक्शन प्रेशर की। तो इंजेक्शन प्रेशर के लिए एक डाई को फिर से हम लोग देखते हैं। इसके अंदर फिर से मैं क्या करूंगा, एचबीडीसी मोल्डिंग प्रोसेस को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर से मैंने क्या कराया, इसके ऊपर प्रेशर लगाया। तो इंजेक्शन प्रेशर जो भी मशीन का होता है वो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, जनरली अगर बात करूं तो इंजेक्शन प्रेशर मशीन का एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू लेना है फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। ठीक है, तो अवेलेबल एचपीडीसी मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा इंजेक्शन प्रेशर। ओके, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग इसके लिए लेते हैं 20%, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 20% फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हमको इसके अंदर एड करना है। ठीक है, टनेज कैलकुलेशन को हम लोग समझते हैं कि टनेज कैलकुलेशन कैसे होता है। देखो भाई, डाई क्लैंपिंग फोर्स इक्वल टू होता है ओपनिंग फोर्स, जिसको सपरेटिंग फोर्स भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1.2। मतलब यहां पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, वो है ओपनिंग फोर्स। ओपनिंग फोर्स जो होता है वो होता है स्पेसिफिक प्रेशर मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, स्पेसिफिक प्रेशर मैंने अभी आपको बताया, स्पेसिफिक प्रेशर मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा जो भी अवेलेबल मोल्डिंग मशीन रहेगी। राइट, ठीक है। तो यहां पर मैं अभी हमेशा बता रहा हूँ कि भाई एक चीज हमेशा याद रखना, मशीन का स्पेसिफिक प्रेशर वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपसे ले रहा हूँ। ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि मशीन का इंजेक्शन प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू रहता है। क्लियर है? चलिए, ठीक है। देखो, ध्यान से टनेज कैलकुलेशन का हम लोग समझते हैं। टनेज कैलकुलेशन मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टनेज? देखो, डाई क्लैंपिंग जो फोर्स होता है वही टनेज ऑफ मशीन होता है। डाई क्लैंपिंग फोर्स जो होता है वही टनेज ऑफ मशीन होता है, इसी को तो हमको कैलकुलेट करना है। देखो, एग्जाम्पल फॉर टनेज कैलकुलेशन को हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंपोनेंट का जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो है 5400 mm². ओके, मैंने बोला भाई इसके अंदर टोटल प्रोजेक्टेड एरिया काउंट करना है मुझे, तो वो कितना रहेगा, जितना कंपोनेंट का प्रोजेक्टेड एरिया रहेगा उसका 40% और एड करेंगे उसके अंदर, तो हमारे पास आएगा 5400 + 2240। राइट, टोटल कितना हो गया, 7640 mm². ओके, चलिए अब बात करते हैं ओपनिंग फोर्स। ओपनिंग फोर्स क्या होता है, वो होता है इंजेक्शन प्रेशर मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्टेड एरिया। तो यहाँ पर इंजेक्शन प्रेशर रेंज है मैंने, ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आया 1000 से, मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, जिससे मुझे मिलेगा वैल्यू टन में। टन में कितना आया, 61.1 टन। अभी हमने निकाला है ओपनिंग फोर्स, अब हमको निकालना है क्लैंपिंग फोर्स। क्लैंपिंग फोर्स कितना होगा, 61.12 मल्टीप्लाई बाय 1.2, और 1.2 यहाँ पर क्या है, वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वैल्यू आया हमारे पास 73.344 टन। मतलब इसका मतलब है 80 टन की मशीन को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, इंजेक्शन प्रेशर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। मैंने एग्जाम्पल के लिए वहां पर क्या लिया है, 800 kg/cm². ओके, थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।